हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस इज नेहा, वेलकम टू माय चैनल, इट्स नेहा ब्लॉग्स अभिजान। और आज मैं आपके साथ एक लाइव बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये है मेरी फ्रेंड स्वप्ना, ये हैदराबाद से है। एक बहुत ही अमेजिंग हैदराबाद बिरयानी भी मैं शेयर करूंगी, इसने बहुत अच्छी बनाई थी। अभी थोड़ा सा एडिटिंग का पार्ट रह रहा है, तो वो जैसे एडिट हो जाता है मैं तुरंत अपलोड कर दूंगी। तो अब यही बहुत ही अच्छी दो स्वीट्स बनाने जा रही है। हमने प्लान एक स्वीट किया था बनाने का, लेकिन जब उससे कुछ वेस्ट निकला तो फिर हमने सोचा कि एक और स्वीट आज बन जाएगी बहुत ही अच्छी। तो पहले जो वेस्ट निकला है उससे जो हम स्वीट बनाने जा रहे हैं, पहले मैं वो बनाऊंगी क्योंकि उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद मेन हम बनाने जा रहे थे स्वीट, पहले वो बनाऊंगी उसके बाद। सो लेट्स चेक द इंग्रेडिएंट्स। ये जो आप देख रहे हैं ड्राई फ्रूट्स का चूरा है, मीन्स हम लोग ने काजू कतली बनाने के लिए इसको ग्राइंड किया था, तो जो मोटे मोटे रह जाते हैं वो हम काजू कतली में यूज नहीं कर सकते। तो हमने थोड़ा सा और बादाम को और काजू को पीसने के बाद जो चूरा बचता है वो लिया। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये क्रश किया हुआ खजूर है, खजूर आप लोग जानते होंगे डेट्स, ये क्रश किया हुआ खजूर है। इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड है, अभी थोड़ी चीनी और ऐड होनी है, तो इतना ही चाहिए इसके लिए, क्रश किया हुआ खजूर, चीनी और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो। और ये जो इसका मेजरमेंट मैंने लिया है, मैंने इस बाउल से लिया है, आप किसी भी बाउल से ले सकते हैं लेकिन रेशियो ऐसे ही रखिएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ड्राई फ्रूट्स, ये ढाई बाउल है, ये जो ये बाउल दिख रहा है आपको, ये वाला ढाई बाउल है। और खजूर इसमें करीब 15 खजूर है, और टोटल ऑल जो मैं चीनी ऐड करूंगी वो आधा बाउल होगा, वो आधा बाउल चीनी ऐड करूंगी। तो देखते हैं कि हम कैसे क्या करते हैं। तो ऐसे हमें स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें एक बड़ा वाला स्पून घी का ऐड कर रहे हूँ, देसी घी है, क्योंकि देसी घी से किसी भी मिठाई का जो होता है वो स्मेल जो होती है वो बहुत ही फ्रेग्रेंस होती है, वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं देसी घी से बना रही हूँ ये पूरी मिठाई, मैं नहीं बना रही हूँ, मेरी फ्रेंड स्वप्ना बना रही है, क्योंकि ये बहुत अच्छी मिठाइयाँ बनाती है। तो मैंने सोचा आपको वीडियो में दिखा दूँ, कुछ अच्छा सीखती हूँ तो मैं ज़रूर उसका वीडियो शूट कर लेती हूँ। कहीं पर भी मैं जाती हूँ कुछ अच्छी रेसिपी होती है तो मैं उसका वीडियो जरूर बना लेती हूँ। तो इस घी होने के बाद में तो पहले हम इस घी को मेल्ट होने देंगे अच्छे से, बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं करना है ना, नॉर्मल जैसे ही मेल्ट हो जाएगा उसमें ये हम क्रश किया हुआ खजूर और चीनी को दोनों को साथ में क्रश किया था। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्रश किससे किया था। ये देखिए मेरे पास क्रश करने वाला है, तो मैंने इसी में ही उसको क्रश किया था अच्छे से, मिक्सी में नहीं चलाया था ये। इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे इस पूरे मिक्सर को। हाँ, अभी पूरा मिक्सर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तो आप प्रोसेसिंग देखिए कैसे मेल्ट होके कैसे किस कंसिस्टेंसी तक इसको पहुंचाना है हमको। वो उधर इलायची भी डालें और इसमें ये 5 से 6 कुटी हुई इलायची भी डालेंगे, तो जो मैं पहले भूल गई थी, क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत प्रोफेशनली ये जो कुकिंग वीडियोज है नहीं बनाती हूँ, तो जैसे जैसे होता जाता है लाइव मैं उसको बताने की कोशिश करती हूँ। तो अब इसमें चीनी ऐड होगी, तो मैंने जो आपको बताया कि आधा बाउल चीनी लेनी है, तो उसमें से उस आधे बाउल का भी हाफ जो है वो मैंने खजूर को क्रश करते टाइम उसको डाल दिया था, जिससे कि इजीली क्रश हो जाता है खजूर, और जो आधी बची हुई चीनी है वो उसको अब ऐड कर रहा है। तो आप उसको देख रहे हैं उसको कैसे स्पैचुला से मैश करते हुए चीनी को ऐड करा जा रहा है, तो इसी अकॉर्डिंग आप भी करिएगा अगर आपने ये स्वीट अगर आपको ट्राई करने का मन हुआ। अच्छे से मेल्ट हो जाता है चीनी के साथ में, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। बस चीनी मेल्ट होने तक उसको वो करना है और चीनी टेस्ट से हिसाब से ले लेना। हाँ, आप जैसे चीनी खाते हो अगर ये आपको बहुत ज्यादा लग रही तो आप थोड़ा सा कम ज्यादा भी कर सकते हैं। इसमें आप जैगरी भी ऐड कर सकते हैं चीनी की जगह, आप चीनी को स्किप करके
जैगरी ऐड। अगर आप ये मिठाई ठंडियों के विंटर्स के टाइम पे बना रहे हो तो आप इसमें जैगरी ऐड कर दोगे तो वो और भी एड ऑन हो जाता है, क्योंकि विंटर्स में जैगरी बहुत अच्छी होती है, गर्म होती है। बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है ये अभी ये पूरा चीनी मेल्ट हो गया है, और यहाँ पे जो चीनी आती है वो ऑलरेडी जो है वो मेल्टेड ही आती है, मीन्स थोड़ी सी बारीक होती है। पाउडर अभी आप इलायची डाल दीजिए। अब ये जो मैं इलायची है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है चीनी, तो अभी ये जो इलायची है वो इसमें डाल रही हूँ मैं, कुछ काम मैं भी कर लेती हूँ उसके साथ। अभी अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब हम लोग ऐड करते हैं इसमें ये ड्राई फ्रूट जो मिक्सी में चलाए हुए थे, ग्राइंड किए हुए थे, वो इसमें ऐड कर देंगे। और ये दरदरा ही अच्छा लगता है, पाउडर फॉर्म में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने बताया ना कि हम लोग काजू कतली एक्चुअली बना रहे थे, तो उसमें जो दरदरा पार्ट था उसको हमें हटाना था, तब इसको स्वप्ना को लगा कि हम इससे एक और मिठाई बना सकते हैं, तो फिर हमने जो बादाम थे उसको भी दरदरा करके ग्राइंड कर लिया। अब इसको मिक्स कर रहे हैं सबको अच्छे से, और बस ये रेडी हो जाएगा। थोड़ा सबको सेट होने में टाइम लगता है। बस हम क्या बना रहे हैं इसके, लड्डू की कतली? लड्डू भी बना सकते हो आप, मिठाई का राउंड शेप भी दे सकते हो आप, जैसे शेप आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो, जिसमें आपको लगे कि इजी है, इजी लगे। कतली जमाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आप थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो जाते हो मिठाई पे, तब आप कतली अच्छे से जमा पाते हो, राइट? मुझे डिफिकल्ट लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी से ही बाइंडिंग होने लगा है, तो लड्डू बनाना बहुत इजी होता है, इजी हो जाएगा। और थोड़े सा गर्म में आप सब कुछ कर सकते हो, ठंडा होने पर ये ड्राई हो जाता है। तो मुझे लड्डू बनाना ज्यादा इजी लगता है, कतली में मुझे रहता है कि पता नहीं उसको अच्छे से शेप आ पाएगा, जम पाएगा कि नहीं, तो मैं फटाफट से लड्डू ही बना लेती हूँ। ऐसे इसको प्रेस करने से क्या बाइंडिंग अच्छी सी हो जाती है, सब मिल जाता है। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो वो बता रही है कि इसको अच्छे से अगर मैश करते हुए इसको सेकेंगे तो बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। आपकी जो शेप में चाहिए वो शेप में आपको मिठाई मिलेगी। हो गया है, और हमने इसकी जो गैस की आंच थी वो मीडियम रखी है ना, बिल्कुल मीडियम रखी हुई है, क्योंकि मेरी गैस ऑलरेडी बहुत तेज है, तो मैंने यहाँ पे स्लो रखी हुई है। आपकी आपकी जो गैस है उसके अकॉर्डिंग आप मीडियम रख सकते। बस ये थोड़ा सा हो गया है, अब इसको हम जमाएंगे, लड्डू बनाएंगे इसका। आप जैसे मर्जी इसको शेप दे सकते हो, बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि शुगर मेल्ट हो जाता है तो ऑलमोस्ट वो पक ही जाता है शुगर इसके अंदर, सिर्फ बाइंडिंग के लिए होता है ये सब। और देख लेना इसमें ज्यादा सा घी भी नहीं लगा है, बस ड्राई फ्रूट्स हैं और डेट्स हैं बस। अब देखिए गैस बंद कर दी गई है, अब मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताती हूँ कि आगे करना क्या है। अभी आप देख रहे हैं कि एक पन्नी ली है, आपके पास अगर बटर पेपर हो तो आप यूज कर सकते हैं बटर पेपर का, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ये पन्नी ली है। उसको थोड़ा सा ग्रीस कर रहे हैं, ये घी के साथ ही ग्रीस कर रही हूँ, क्योंकि घी की स्मेल बहुत अच्छी आती है कि कोई भी आप स्वीट्स बनाते हैं, तो इसको घी के साथ ग्रीस किया है। वैसे बटर पेपर ज़्यादा अच्छा रहता है अगर आप मिठाई बनाते हो, तो अभी मेरे पास नहीं अवेलेबल था तो इसीलिए। तो अभी जैसे कि स्वप्ना ने बताया कि वो इसका सिलेंडर शेप बनाएंगे, सिलेंडर बना के कट कर लेंगे इसको रोल टाइप, इसका सिलेंडर टाइप का रोल बनाएंगे, और उसको बाद में जब थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो उसको कट कर लेंगे। तो अभी ये हल्का गर्म ही है, हल्का क्या, काफी गर्म है कि हम हाथ से नहीं छू पा रहे हैं, तो इसको इसी जो इस समय टेम्परेचर है आपको इसी टेम्परेचर में इसको सेट करना है, अदरवाइज ये ड्राई हो जाएगा, फिर आप इसको सेट नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो मिठाई बनाते टाइम बहुत यूजफुल होती है। हम इसको बाइंडिंग कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको प्रेस याद देख रहे हैं ना, ठीक है, इसको ऐसे अगर करेंगे तो इजी टू मैनेज हो जाता है, ऐसे बाइंडिंग भी हो जाती है और आपके हाथ में गर्म भी नहीं लगता, क्योंकि काफी गर्म है, अभी हम तुरंत ही इसको गैस से निकालते हैं। अभी आप इसको कोई भी शेप दे सकते हो अभी के अभी, तो आप इसे कतली की तरह जमा भी सकते हैं, इसके लड्डू भी बना सकते हो, बर्फी भी बना सकते हो, इसकी सिलेंडर शेप हम दे रहे हैं, हम सिलेंडर शेप भी दे सकते हो। काफी गर्म है अभी, इसके वजह से हमको ऐसे करना पड़ा है।
बट ठंडा हो जाएगा तो बाइंड नहीं होगा ना? नहीं, ठंडा होगा तो फिर बाइंड नहीं होगा। एटलीस्ट ऐसे छू पाए हम लोग, थोड़ा सा घी लगा लेंगे हाथ में। ये हाथ में थोड़ा सा घी ऐड किया। अभी भी काफी गर्म है, मैं छू नहीं पा रही उसको। जैसा कि बोल रही हूँ, अभी भी काफी गर्म है, मैं टच करके देखती हूँ। हाँ, अभी भी काफी गर्म है। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो आपका हाथ जल सकता है। तो बहुत ही मींस देख के आप अपने हिसाब से करिएगा, नहीं तो आपका हाथ जल सकता है। तो अभी आप क्या करने वाले हो? थोड़ा सा इसको रहने देते हैं, थोड़ा सा ये 5 मिनट के लिए। 5 मिनट? हाँ, बहुत ज्यादा देर नहीं। या तो आपको ज्यादा ही ऐसे गर्म लग रहा है तो आप पानी भी ले सकते हो, पानी से इतना गर्म नहीं महसूस। हाथ में पानी लगा के फिर बाइंड कर सकते हो, फिर पानी लगा के फिर बाइंड कर सकते हो। तो पानी दूं क्या मैं? हाँ, थोड़ा सा। इसे क्या आपका जलन भी फील नहीं होगा। तो ये मैं पानी लेके आई हूँ, तो ये हाथ में पानी लगा के इसको ठीक करने वाले हैं। हम ऐसे बॉल्स ले लेंगे, अभी तो ये काफी गर्म है तो थोड़ी देर। गरम बहुत ज्यादा लग रहा है देखिए, लेकिन तभी भी इसको बॉल्स बनाया है इसको। आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो, पानी में कोई इशू नहीं। ट्राई इतना ठीक है? हाँ, मैं भी ट्राई कर रही हूँ। ऐसा ना हो कि मैंने केवल वीडियो बनाया है, मैंने किया नहीं है। तो जैसा बताया सोपना ने, सच में बहुत गर्म है, लेकिन पानी से काफी सही रिलीफ भी लग रहा है हाथों में थोड़ा सा। ये इतना बड़ा बड़ा बनेगा क्या? नहीं, इसको शेप देंगे ना कट करके एकदम। मुझे लगा इतना बड़ा बड़ा कौन खाएगा। ये तो फिर गणेश जी को चढ़ेगा। बट ये टेस्टी इतना है कि आप इतना बड़ा भी खा सकते हो। बहुत टेस्टी है। मैंने थोड़ा सा इसको टेस्ट किया था चीनी चेक करने के लिए, बट एक बार टेस्ट किया ना तो मैं 2 बार तो 3 बार खाए ही मैंने। ठीक है ये? हाँ, नहीं, ऐसे थोड़ा सा बड़ा ले लूँ तो कट करने में इजी होगा। इसको और बड़ा ले लूँ? इसको अभी ये चलेगा इतना? हाँ, ले लो। इसको ऐसे करके ये शेप देना है। देखिए मेरा थोड़ा सा अलग आया, अभी आपको ये शेप देना है। ये शेप देके आप रख सकते हो, फ्रिज में भी रख सकते हो आप। इसको फ्रिज में सेट करने के लिए? हाँ, फ्रिज में भी रख सकते हो। अभी हम ऐसे साइड में रखते रहे? हाँ, अभी हम इसको देखिए साइड में ऐसे रखते जा रहे हैं। मैं एक और बार भी ट्राई कर रही हूँ। अभी भी काफी गर्म है ये। हाँ, जबकि मैं बनाते हुए 5 से 7 मिनट तो हो रहे होंगे, है ना? 2-3 मिनट तो हो गए होंगे आराम से। इसमें शुगर सिरप है इसीलिए शायद ये जल्दी ठंडा नहीं हो रहा है। यस, दिस इज द रीजन, जो शुगर है इसकी वजह से ये जल्दी नहीं ठंडा हो गया। लड्डू तो काफी अच्छे बन जाएंगे ऐसे तो। हाँ, फटाफट से। तो अगर आपको फटाफट से बनाना है तो आप लड्डू बना लीजिए, मैं होती तो लड्डू ही बनाती। हमने थोड़ा अलग ट्राई करने की सोची आज। मैं होती तो आपको फटाफट से लड्डू बना के प्लेटिंग करके दिखा देती। ठीक है, इतना कर लेंगे ना, कटिंग हो जाएगी। ये देखिए, जो लोग लड्डू बनाना चाहते हैं वो इस टाइप से लड्डू बना सकते हैं। ये बहुत ही इजीली बन जा रहे हैं बाइंडिंग होके। तो हमने अपना एक लेमन साइज का बॉल लीजिए। ये देखिए, लेमन साइज का बॉल लेके उसको ऐसे ऐसे बाइंड करिए हाथ से, उसके बाद उसका लड्डू बन जाएगा। तो हमने अपना आइडिया चेंज कर दिया, अब हम लड्डू ही बनाने जा रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बन रहे हैं, क्योंकि हमें दूसरी मिठाई भी बनानी है आज ही। तो मैं दोनों जो वीडियोज हैं वो मैं सेपरेट डालूंगी, इसका अलग और उसका अलग, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। तो हम लड्डू बना रहे हैं, देख रहे ना लड्डू कितनी जल्दी बन रहा है, लेकिन ये भी अंदर से काफी गर्म, काफी गर्म। और ये गर्म में बनाते हैं तभी सेट होगा लड्डू भी, थोड़े भी छोड़ देंगे ड्राई हो जाएंगे एकदम से। ये देखिए, आपको कुछ साउंड सुनने में आ रहा है, ये कुछ कुछ ऐसे एयर पास होने की साउंड आती है,
तो ये साउंड आती है, इसका मतलब इसके अंदर बाइंडिंग अच्छे से हो रही है और जो एयर जितनी भी है वो सब निकल रही है। तो ये साउंड आने तक इसको ऐसे ऐसे दबाना है अच्छे से। तो अभी देखिए ये हमारे कुछ लड्डू तैयार हो गए हैं जो कि रेडी टू ईट हैं और ये सिलेंडर शेप के हैं। इसको मैं सेट होने के लिए रख रही हूँ, उसको बाद में कट होके अच्छा सा शेप देंगे। तो वो मैं फिर जब ये सेट हो जाते हैं तो उसको कट होके दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस शेप में कट किया है। तो ये रेडी टू ईट है, बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में, बहुत ही सोनी सोनी स्मेल आ रही है इसे ड्राई फ्रूट्स की। तो बहुत ही हेल्दी फूड है, अगर आप विंटर्स में खाएंगे इसमें जैगरी ऐड करके, गुड़ ऐड करके चीनी की जगह, तो बहुत ही हेल्दी फूड बनेगा बच्चों को भी खाने के लिए। जो भी आने वाला है वो विंटर ही है, हाँ। तो बच्चों को भी आप दे सकते हो आराम से ड्राई फ्रूट्स। वैसे तो खाते नहीं है वो ड्राई फ्रूट्स, ऐसे खा लेंगे ये। आप ऐसे बनाओगे ना जैगरी के साथ तो वो रोज एक लड्डू खाएंगे तो बहुत ही हेल्दी होगा बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी और जो ओल्ड एज वाले हैं उनके लिए भी। तो आप जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, कितनी इजी कितनी जल्दी ये बने, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा। तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।